होई को एक दास तुम्हारा, होई को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई रहा होगा? परशुराम जी ने कहा, हम पूछ रहे हैं धनुष तोड़ने वाला कौन है, आप कहते कोई रहा होगा। राम जी बोले, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है धनुष तोड़ने वाला? राम जी ने कहा, अब धनुष ही नहीं है तो तोड़ने वाला कहां से होगा? जब धनुष था तो धनुष को तोड़ने वाला था, और धनुष टूटने के साथ तोड़ने वाले का अहंकार भी टूट गया, अब नहीं है। और राम जी बिल्कुल होश की बात कर रहे हैं कि हम जब तक जो कार्य करें तब तक उसके कर्ता रहें, और कार्य पूरा हो जाए तो कर्तापन से भी मुक्ति करें। धनुष था तो तोड़ने वाले थे, धनुष टूट गया तब तोड़ने वाले भी नहीं, अब कौन? अब तो आपका दास हूं। राम जी बोल रहे हैं होश में, परशुराम जी हैं जोश में। जोश वालों को अक्सर होश वालों की बात समझ में नहीं आती। राम जी कह रहे हैं, आयुष काह कहिए किन मोही, आप मुझे आज्ञा करें मैं क्या सेवा करूं। परशुराम जी बोले, सेवा? ये शत्रु का काम किया जिसने धनुष तोड़ा है। और राम, कान खोलकर सुन लो, जिसने धनुष तोड़ा हो जानते हो, सहस बाहु समसो रिपुमूरा, ऐसा कह के हवा में फरसा लहराया, वो सहस्रा बाहु के समान हमारा शत्रु है। सभा में बैठे राजा कांप गए। कुछ राजा बोले, हे भगवान, अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा, अगर हमसे धनुष टूट गया होता तो इनसे कौन सुलझता। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान बचा लिया, बड़ी कृपा। दंभी राजा मुस्कुराए, दंभी नीति की भावई। दंभी राजा बोले, हम तो जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी, इसलिए हमने जानबूझ के धनुष नहीं तोड़ा। जब नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते तो क्या हम धनुष नहीं तोड़ सकते थे? लेकिन यह हमारी दूरदर्शिता है, हम बच गए, राम जी फंस गए। हम पहले ही जानते थे यही होगा। कुछ लोग ऐसे ही दूरदर्शी होते हैं। एक आदमी गया मरने, रेलगाड़ी की पटरी पर पड़ा। एक ने कहा, भैया जिंदगी इतनी की मर काहे को, क्यों मरने पड़े? बोले, बस निराश हो गए अब तो। अरे भैया ऐसा मत कर, बहुत समझाया, नहीं नहीं मरेंगे। तब तक देखा कि सिराने इतनी रोटियां रखे, तो उसने पूछा, रोटियां काहे को रखे? बोले, वाह इतना भी नहीं जानते, रेल अगर लेट हो गई तो भूखों मरेंगे क्या? कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी होते हैं। ये राजा कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर धनुष नहीं तोड़ा। श्री राम जी ने, परशुराम जी के मन में प्रेरणा की कि इनका भी इलाज हो जाए जरा। तो इलाज कैसे हुआ? परशुराम जी बोले, सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। नहीं तो जितने राजा हैं हम सबको मार डालें। धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग हो जाए या सभा उसे अलग कर दे, नहीं हम सबको मार डालेंगे। अबे राजा भी घबराए कि धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं। धनुष तोड़ के मरते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे हैं। एक ने कहा, हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो, तुम ही बैठे रहे यहां। बेचारे जनक जी तक कह रहे थे, तजो वास निज निज गृह जाहु। लक्ष्मण जी को लगा कि गुरु जी अच्छे देश में ले आए, यहां धनुष के अलावा और कोई चर्चा ही नहीं होती।
थोड़ी देर पहले एक महापुरुष नाराज हो रहे थे कि धनुष क्यों नहीं टूटता, किसी से नहीं टूटता, और टूट गया तो दूसरे महापुरुष नाराज हो रहे, किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा। अच्छा पहले कोई नहीं तोड़ रहा था तो नाराज हो रहे थे पहले महापुरुष के, क्यों नहीं टूट रहा और कोई नहीं तोड़ पा रहा, और तोड़ दिया तो दूसरे आ रहे क्यों तोड़ा और किसने तोड़ा। तो यहां ये धनुषई की बात होती है और कोई बात नहीं होती। लक्ष्मण जी से नहीं रह गया, लक्ष्मण जी बोले प्रभु बुरा ना माने, तो इन गुरु जी से आई है स्वामी जी। हमारे श्री स्वामी श्रवणानंद जी महाराज का आगमन हुआ है वृंदावन से, बड़ी बड़ी वाह वाह। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु बुरा ना माने तो इन गुरु जी से दो दो बातें हम कर लें। हमारे परम स्नेही परम आत्मीय श्री ललित गुरुवर जी, इनका बहुत स्नेह है, बहुत श्रद्धा है, हमारे सभी सत्कारियों में बड़ा संबल है इनका, मैं इनका भी बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ ही आप आए। लक्ष्मण जी ने कहा तो इनसे दो दो बात हम कर लें। अच्छा तुम क्यों करोगे प्रभु, जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उस भाषा में बात करने में सुविधा रहती है, अंग्रेजी जानने वाले से अंग्रेजी में, हिंदी जानने वाले से हिंदी में, संस्कृत जानने वाले से संस्कृत में। अच्छा जानकारी ना हो, और एक सज्जन बड़े विचित्र थे, उन्हें अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था पर उन्हें तीन चार शब्द याद कर लिए थे, वो वही शब्द बोलते, चार शब्द बस, यस नो वेरी गुड थैंक यू, और अर्थ किसी का पता नहीं, और गांव में अपना वो मस्त यस नो वेरी गुड थैंक यू। अब जो नहीं समझते थे वो कहते बड़े योग्य आदमी है, जो समझते थे वो हंसते थे कि इनको चार शब्द याद। एक बार ट्रेन में जा रहे थे, चोरी हो गई किसी की, उसकी अटैची खो गई, तो सबसे पूछ रहा था भाई साहब आपने अटैची देखी, अटैची देखी, तब तक कोई मिल गए, बोले भाई साहब आपने अटैची देखी, उन्होंने सोचा अंग्रेजी बोलने का मौका अच्छा है, सो बोले यस, अरे बड़ी खुशी की बात तो दे दीजिए, तो बोले नो, उसने कहा कि ये कोई बात हुई तुम्हें मिल गई हो, मना कर रहे हो, इतनी पिटाई लगाएंगे, दो चार तमाचे लगाएंगे, तो बोले वेरी गुड, तो उसने दो लपड़े लगाई, तो उसने सोचा पिट तो गई, आखिरी शब्द और बोल दे, बोले थैंक यू। अब अर्थ उसे पता ही नहीं कि क्या है। तो जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उस भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी आपकी भाषा समझ नहीं सकते, और परशुराम जी जो भाषा जिस शैली में भाषा बोल रहे हैं वो भाषा आप बोल नहीं सकते, फिर का इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। राम जी मुस्कुरा कर रह गए, लक्ष्मण जी प्रभु चरणों में प्रणाम करके गए, और परशुराम जी से कहा कि महाराज आप दुखी क्यों हैं। परशुराम जी बोले लो और सुनो, इन्हें अब तक यही पता नहीं है कि हम दुखी क्यों हैं। अरे ये धनुष टूट गया है। अच्छा धनुष टूट गया तो आप क्यों टूटे जा रहे हैं, क्या आप धनुष हैं। नहीं नहीं वो बात तो नहीं है, लेकिन अच्छा तो आपका है धनुष। नहीं हमारा नहीं। अच्छा हमारे गुरु जी का है। अच्छा तो गुरु जी ने इसकी रखवाली आपको दी थी क्या। नहीं नहीं उन्होंने भी नहीं, उन्होंने जनक जी को दिया और जनक जी ने तोड़वा दिया। हाँ फिर आप काहे को परेशान हो। परशुराम जी सोचने लगे कि बाल कह तो ठीक रहा है, हमारा धनुष है नहीं, और हम धनुष के टूटने से इतने दुखी क्यों। कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे, हम लोगों को तो प्राय मिलते हैं, कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, महाराज हम बहुत परेशान। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, तो कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं।
अच्छा बोलो समझ में आ जाए तो आधी से ज्यादा परेशानी कम हो जाए, पर उन्हें समझ ही नहीं आता। रोगी पीड़ा का अनुभव करता है पर रोग कौन सा है ये तो वैद्य बताते हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, लक्ष्मण जी ने कहा इस रोग का कारण मैं बताऊं आपको। परशुराम जी ने कहा नहीं, मैं धनुष टूटने से दुखी हुआ हूं। लक्ष्मण जी ने कहा हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आप नाराज होते हुए आए नहीं, इसी धनुष पर क्यों? देखो बड़ा सुंदर संकेत है, इसको बोलते हैं आसक्ति, इसका नाम है आसक्ति। ये कभी भी आ सकती, कैसे भी आ सकती, कहीं से भी आ सकती, बल्कि आसानी से आ सकती, मुश्किल से जा सकती। ये ममता, इस धनुष से आपकी ममता है ना। अच्छा देखो, हम लोग अखबार पढ़ते हैं सवेरे सवेरे, उसी समय जलपान करते हैं, चाय लेते हैं, दो चार मित्र इकट्ठे होकर चाय पी रहे, अखबार पढ़ रहे, अरे ट्रेन दुर्घटना, कितने 50 आदमी मर गए। अरे ज्यादा मरे होंगे, अखबार में कम छापते हैं, अब 50 मर गए, कम छापते हैं, ज्यादा मरे होंगे, कम से कम 100-200 आदमी मरे होंगे। आपने चाय नहीं ली, अब 100-200 मर गए। अच्छा दुख हुआ क्या कि थोड़ी देर मौन रहते या आंसू आ जाते? नहीं नहीं, तब तक अरे अभी भूकंप आया था उसमें हजारों मर गए थे, कोई आप बिस्कुट लियो, हजारों मर गए बिस्कुट ले, 200 बता रहे हैं ज्यादा, कम से कम 500 मरे होंगे, आप नमकीन लो चाय ले। अच्छा बोलो ऐसी बातें करते कि नहीं, हमें बिल्कुल ऐसे आराम से पढ़ते रहते हैं। अच्छा वही आदमी, आप सोचो अगर अपना परिचित बेटा या कोई प्रियजन बीमार हो, अस्पताल ले गए हों रात को, बहुत दिन के 2 बज गए, पानी तक नहीं पिया, और कोई कहता अब डॉक्टरों ने कंट्रोल कर लिया, अब कोई खतरा नहीं है, आप ऐसे अब आपने सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं, कुछ खा लो, तो रो कर कहेंगे तुम्हें खाने पीने की पड़ी, हमें पानी पीने तक का मन नहीं है, पहले बताओ कैसे। 1000 मर गए तब कुछ नहीं, 500 मर गए तब कुछ नहीं, 1 तो बीमार ही है अभी, कुछ नहीं हुआ उसे। यही हमारे मन की, हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, और दामन को खाक जार में उलझा के रह गए, यही हमारी ममता है। कबीरदास जी कहते हैं ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके किस जन्म के साथी, पाके किस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन ते, ममता तू ना गई मोर मन, तू ना गई मोर मन ते, ये ममता। लक्ष्मण जी ने कहा यही है आपको, यही धनु पर ममता के ही हेतु। अब केवल ममता होती तो परशुराम जी इलाज करा लेते या बात मानते, लेकिन एक दूसरी बीमारी भी है, वो है अहमता। और अहमता तो अपने में रोग स्वीकार कर ले। परशुराम जी बोले रे बालक काल बस बोलत तो इन्हें संभाल,
धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तुम्हारे छोटे छोटे धनुषों के समान शंकर जी का धनुष। विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है। लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो देव, लखन कहा, हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना, हमारे लिए सब धनुष बराबर ही हैं। कहा क्यों? बोले कोई धनुष वरदान नहीं ले देता, सब प्राण ही लेते हैं, सब बराबर हैं। लक्ष्मण जी समता की बात कर रहे हैं और परशुराम जी ममता, यही धन पर। अच्छा, ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। परशुराम जी ने कहा, बोले चितय परसु की ओरा, अभी तूने हमारा स्वभाव नहीं देखा और देख रहे फरसे की तरफ, मेरा स्वभाव सुना नहीं है ताकि तुम भी फरसे की तरफ देखो। पर लक्ष्मण जी ने उधर देख नहीं, कुछ लोगों को दिखाने की बड़ी आदत होती है। एक गांव में एक सज्जन को अंगूठी मिली शादी में, सो जहां भी जाएं हाथ हिला हिला के बात करें, और आपका स्वास्थ्य कैसे, और आप कैसे, अब लोग देखेंगे भाई होगा। एक दिन गई मिठाई वाले की दुकान पे, पंडित जी की दुकान, पंडित जी स्वस्थ चादर डाले बैठे, और ये लड्डू कैसे दिए, ये पेड़े कैसे दिए, जलेबी कैसे दिए, ऐसे पंडित जी ने देखा कि अंगूठी दिखा रहा है ऐसे बार बार। तो पंडित जी बड़ा बाजू बंद बांधे थे हाथ में, तो जो वो ऐसे दिखाए, ये कितने कितने दिए, सो पंडित जी ने ऐसे चादर उठाया और ऐसा हाथ किया, बोले सभी एक भाव है, ले जाओ जैसे लेना।